वेलकम बैक। नहीं नहीं कुछ नहीं हो गई है। हाँ, नहीं तो नहीं होनी थी। एक्सीडेंट बहुत ही बुरा था, मतलब समझ लो मैं मौत के मुंह से आया हूँ। ओके, टकराने के बाद गाड़ी पूरी ऐसे उछल के, मतलब पूरी पूरी स्ट्रेट खड़ी होगी, स्ट्रेट खड़ी होगी थोड़ा नीचे। तो गाइस गाड़ी कुछ इस तरह ठुक गई मेरी, और शुक्र है मैं बच गया। वेलकम बैक। नहीं नहीं कुछ नहीं हो गई है। हाँ, नहीं तो नहीं होनी थी। वेलकम बैक नहीं हो पानी थी। हाँ वैसे जीजू सही कह रहे हैं, वेलकम बैक तो भी मैं वैसे बोलने वाला था पर मैं बोल नहीं रहा। होती ना, क्योंकि भाई जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो हल्का बहुत और समझ आ गया, लेकिन मेरा एक्सीडेंट हुआ है बहुत ही बुरा इस वक्त। हाँ निकाल रहा हूँ। जाने दे सीधी करते। हाँ निकाल रहा हूँ। जाने दे सीधी करते। शाबाश। अब आगे लेगा ना, ब्लॉग में डाल दी। ऐसे करते हैं, मुझे समझ नहीं आता यार साला, ये लोगों को ना। गाइस फाइनली गाड़ी आ गई है। उन लोगों को क्या लगा कि मैं गया, और अनफॉर्चुनेटली यमराज सर आए थे। ओके, यमराज जी आए और मेरे को मिल के गए हैं, और वो कह रहे कि ओ सॉरी यार मैं गलती से आपके पास आ गया, मुझे और किसी को लेना था। बोला यार कोई बात नहीं चल जाता है, ऐसे लगा कि सॉरी यार मैं गलती से आपके पास आ गया, मुझे कहीं और जाना था। तो कुछ ये सीन हुआ था मेरे साथ, गाड़ी की हालत तो आपने देखी थी। तो ये कहानी तब की है जब भाभी गए थे घर अपने, तीन चार दिन रहने जब वीर भी गए थे। और उस दिन जब भाभी घर पे थे, और कुछ एक महीना हो गया था इनके मतलब पार्ट को। ओके, सो दो या तीन तारीख की बात है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो इस बात को एक महीना कम से कम हो चुका है। तो हुआ कुछ सीन ये कि हमें मेरे को जाना था भाभी को लेने, उस दिन भाभी के पास मुझे भाभी को लेने आता था रात को। और भाभी ने कहा था कि जब भी आएगा लेते हुए फ्लावर केक लेते आइए। मतलब ठीक है भाभी मैं लेता हूँगा। मैं जिम के बाद मेरी तब एक्सरसाइज चल रही थी, और मुझे तो पता ही था कि कंपटीशन भी है। ओके, क्योंकि मैंने कंपटीशन खेलना है तब तक मैंने कोई डिसाइड नहीं करा था। उसके बाद मैं अपनी डाइट लेके जनकपुरी से आ रहा, C1 कौन से जनकपुरी है, वहाँ से मैं गणेश की कौन सी गर्लाइट है वहाँ तक मैं पहुँचा ही था। अचानक ही मतलब लेफ्ट साइड से सर्विस लाइन से कोई फैमिली ऐसे मेरे सामने से उस रोड पे क्रॉस हो गई, और मेरी ग्रीन लाइट थी तो मैंने सोचा मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। बीच में बहुत बड़ा पिलर था और यहाँ पर सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, वो भी जा ही नहीं थी। तो मैंने जैसी करके ऐसे निकाली, DTC बस जो करती है रेड कलर की AC वाली, उसने अपनी सिग्नल एक सेकेंड बचाने के चक्कर में सिग्नल तोड़ के जस्ट मेरे सामने आ गया। और उसमें बारिश था उस वक्त बहुत ज़्यादा, तो उसमें भी बारिश हुई थी। और वहां पर जब ऐसे सीधा रोड जाता है ना ऐसे करके स्पीड ब्रेकर, तो अगर आप स्लो ना करोगे तो आपकी गाड़ी उछल सकती है पूरी। तो मैं लगभग 70 की स्पीड में था ना, तेज था, मैं खुद एग्री करता हूँ। तो मैं जैसी 60 की स्पीड उनको बचाने के चक्कर मतलब वो अचानक मेरे सामने आ गया, तो मैंने स्लो कर लिया। और सही में ऐसे करके जैसी मैं ऐसे चढ़ाने लगा, गाड़ी अनकंट्रोल होकर उछल के और जस्ट बस सामने आ गई, तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था। तो मैंने ब्रेक मारने की कोशिश करी लेकिन ब्रेक बची नहीं, तो बस से पीछे पूरी गाड़ी टकराई। मतलब ऐसे समझ लो ये बस है और ऐसे मेरी गाड़ी जैसी ऐसे टकराई, ये जैसी बस आई मैंने ब्रेक मारा उछल के गाड़ी ऐसे टकराई। ओके, टकराने के बाद गाड़ी पूरी ऐसे उछल के मतलब पूरी पूरी स्ट्रेट खड़ी होगी थोड़ नीचे, एयर बैग्स खुल गए, मैं अंदर बेहोश। भाई मुझे 45 सेकेंड बिल्कुल होश नहीं आया, वहाँ पर सारे फैंस इकट्ठे हो गए, वहाँ पर अननोन मतलब जो भी वहाँ लोग थे सब लोग मुझे जानते थे। ओके, फैंस थे, इंस्टा फैमिली थी, यूट्यूब की फैमिली थी, सब थे। एक सिद्धार्थ जी थे, उन्होंने गेट खोला, मेरे को तब सांस आई क्योंकि अंदर हाइड्रोजन गैस थी, आई डोंट नो मुझे गैस का नाम नहीं पता, शायद हाइड्रोजन ही होगी, वो पूरी पूरी फैल गई थी। और गाड़ी तब पॉन भी थी, शुगर है गाड़ी तब ब्लास्ट नहीं हुई क्योंकि एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ था। ये कुछ क्लिप्स हैं आप देख सकते हो गाड़ी की, सो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ उस समय। मैं जब निकला सब लोग कह रहे प्रभ 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 प्रभ, लेकिन मैं तो बेहोश था। मैं जब बाहर निकला मेरे को बैठाया गया, बस वाला आता है, मुझे बस वाली की आवाज़ याद है, बस वाला आता है और वो बोलता है कि भाई सॉरी, मतलब भाई सॉरी कह रहा हूँ, सॉरी बस वाला आता है तो उस बोलता है कि हाँ, ये बोलता है कि अरे ठीक है सब ठीक है चलो निकल रखो। तो वो DTC बस के ना नंबर नोट कर ना कुछ भी, सब लोग मुझे देख रहे थे। जब मेरे को होश आया थोड़ा सा मैं ठीक हुआ, मैं उतनी सारी पहले गाड़ी देख रहा हूँ, गाड़ी बहुत
खत्म, फुल्ली खत्म, एयर बैग खुल गए अंदर, स्टीरियो बार और नीचे के मतलब चलने लायक थी गाड़ी, मतलब चल सकती थी पूरी प्रॉपर, आगे बम्पर उम्पर सब कुछ पूरा का पूरा हो गया, ये हुआ सीन गाड़ी का। उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं फिर निकला, फिर उसके बाद मैं सोचा था घर पे कॉल करूँ, पर घर से मुझे जुतियाँ बहुत पड़ती, यू नो द फैमिली है ना, एवरी फैमिली जब कोई ऐसा कुछ सीन हो। बट फिर अनफॉर्चुनेटली मुझे तरन चीजू का फोन आ गया, मेरे जीजे का, तो मैंने फोन उठाया, मेरे को लगा शायद पता लग गया, जीजू का उठा था फोन, जीजू कह रहे हाँ क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, मतलब इनको कैसे पता। फिर मेरे को दो दिन बाद जाके पता चला था, वो मैं आपको बताता हूँ। फिर वहाँ पर जीजा जी आए, अभी जीजा जी आए, फिर जीजा जी ने गाड़ी टो करवाई, फिर सैम आया भाई फुल स्पीड में अपने फ्रेंड मनकीरत के साथ, उसने गाड़ी लगाई, चिल्ला रहा भाई तू ठीक है, तू गाड़ी में बैठ, ये मुझे तब बहुत ज़्यादा मेरा अनकॉन्शियस था। हुआ क्या एक्सीडेंट के दौरान, जब मेरा सिर लगने वाला था स्टेयरिंग पे, हाई एयर बैग जब खुला तो उसका प्रेशर मेरे यहाँ पर आया, वो इतना तेज आया कि यहाँ पर एम आर आई कराया तो और भी कुछ टेस्ट हुए थे, तो बहुत ही इतना असर करते ना, जस्ट चीनी के दाने जितना आया उससे भी हल्का सा कम लॉट था, जिसकी वजह से मेरे सिलेंड्रिकल नंबर बढ़ गया। ओके, तो अब मेरा सिलेंड्रिकल नंबर सही है, स्टेबल है, तो मैंने चश्मा नहीं लगा रखा, बट डॉक्टर ने पहले मैं रेगुलर लगाता था, आपने मेरे वीडियोस में रील्स में देखा होगा, बट अब मैं कम लगाता हूँ, क्योंकि डॉक्टर से बोले जब आप फोन यूज कर रहे हो या फिर टीवी देख रहे हो, ओके सो यू हैव टू वेयर स्पेक्टिकल्स, ओके उसके बिना वरना नंबर बढ़ सकता है, तो दवाई चली एक हफ्ता ठीक है। और उसके दौरान जब मैं घर आया, मेरी यहाँ लगी थी मेरी बैक को बहुत ज़्यादा सब जगह पेन था, मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि सारे भाई बहनों ने बोलता घर पे नहीं बताएंगे, सीनियर डरेंगे वरना सब लोग टेंशन आ जाएंगे, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत ही बुरा था, मतलब समझ लो मैं मौत के मुंह से आया हूँ। ओके, मेरा समय था नहीं, तो बस मैं सही बोलूँ तो, ओके सो वैसे ही बोलता नज़रें थी लोगों की, और मज़ा मतलब क्या बोलूँ, मतलब नज़रें थी लोगों की, तो खाओ ही मेरे को, उन्होंने पूरा कोशिश करा कि मैं जाऊँ, बट अनफॉर्चुनेटली बाबा जी मेरे साथ थे, मैं बच गया, सबका प्यार मेरे साथ था, आप लोगों का प्यार मेरे साथ था, मैं बच गया। एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा था, बस एक भी बोलूँगा, एक सेकंड दो सेकंड चक्कर मेरा, गलती मत करना, उन्होंने गलती करी, मेरे से अनकंट्रोल हो गई कार और वो घुस गई, बस ये बहुत ही बुरा एक्सीडेंट था। फिर उसके बाद मैंने अपने घर पे बताया आफ्टर 3 वीक्स, ये पापा पूछे गाड़ी है, मैंने बोला सर्विस पे है, 3 हफ्ते तो कोई भी ओली गाड़ी नहीं जाती सर्विस से, पापा ने ऐप बोलिया, बुआ भी कहते, फिर जो तो गाड़ी अगले दिन लेके लैन जाने सी, मैं एक दिन पहला सबनों पूरी मंडीर बैठाई और फिर सबनों दसिया, सब बहुत ज़्यादा फिक्र थे, फिर टेंशन थे, थोड़ी बहुत गालियाँ भी पड़ी चाचू से, पापा से इतनी नहीं पड़ी, पापा से पहले ही पड़ गई थी, मम्मी को मैंने बता दिया था सही टाइम पे, ओके मम्मी को 2 हफ्ते बाद, फिर पापा को 1 हफ्ते बाद, फिर गाड़ी लेके आया, फिर ये थी मेरी गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हो, ओके पूरी गाड़ी पे 1.5 लाख लग चुका है अप्रॉक्स, हाँ उससे कम ही लगा था थोड़ा सा, और बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हुआ था मेरा, मतलब समझ लो मेरे को तो लगा था कि जब मैं अंदर था ना, मेरे को लगते सारी मेरी आँखें बंद हो गई, मैं लग गया बस, अब मेरे को अपना पूरा फ्लैशबैक याद आ गया सारा, 5 साल का सर, 4, 4.5 साल का पूरा फ्लैशबैक याद आ गया, मतलब भाई क्या हो गया यार ये, फिर जब मैं होश में आया बोला भाई मैं जिंदा हूँ यार, मैं जिंदा हूँ भाई, ठीक हूँ मैं, सो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, आई डोंट नो व्हाई ये हुआ मेरे साथ, क्योंकि पता नहीं क्यों यार, आई डोंट नो व्हाई, सो जो भी हुआ रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ एक सेकेंड चक्कर उकर, मैं लोगों को समझा रहा हूँ, क्योंकि किसी की गलती की वजह से किसी की भी जान जा सकती है, उनके परिवार होते हैं वो होता है सब कुछ होता है, सो डोंट डू दिस टाइप ऑफ मिस्टेक एनीथिंग एल्स, और डीटीसी बस वालों से ना कुत्तों से बच के डाल दो, साले बहुत ज़्यादा हरामी है, कसम से सॉरी टू अब्यूज दिस बट बहुत ज़्यादा है सीरियसली, उनको किसी का कोई नहीं, भाई बंदा मेरे को देखने भी नहीं आया तो, अरे ठीक है चलो 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 चलो, भाई बस गायब, सीरियसली बस गायब थी वहाँ पर, फिर उसका हमने ना सीसीटीवी फुटेज भी निकाला था, FIR सब कुछ हुआ, CCTV फुटेज भी निकाला, भाई उस बंदे ने पार की इतनी मजे का कराया कि रेड लाइट के अंधेरे में वही नहीं आई, नंबर ही नहीं आया, अब DTC बस इतनी सारी है ना, कुछ पता नहीं चला, सो कंप्लेन कर दी थी, फिर बाद में फिर सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, और फिर उसके बाद ये सब कुछ हुआ, तो गाड़ियाँ वापस आ चुकी है, मेरी रोज वापस आ गई है, अब ये की पूरी मेरी मुझे न्यू गाड़ी मिली है एक तरह, ओके सो मैं बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ, टाइम टाइम वॉश हो सब कुछ, तो जो मेरे से मिस्टेक कोई आप लोग मत करना, और हाँ अभी आप देख सकते हो मैं सैंडविच बना रहा हूँ, मैं जिम से आकर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, प्रोटीन मैंने पी लिया, मैंने आपको कभी अपना प्रोटीन नहीं दिखाना, वेट अ मिनट,
today I will show my protein. That protein I used. I used Isodose. Here I have protein. देख सकते हो. Okay, I should use Isodose. AF butter pecan. इसमें vanilla ice cream भी आता है. बहुत प्यारा है. मैं उसकी चीज का हूँ. तो मैं अभी बना रहा हूँ cheese sandwich. अगर आप उसका tutorial चाहिए ना तो please कमेंट सेक्शन में बता देना कि बहुत प्यारा सैंडविच है. पहले शिजवान, फिर तंदूरी, फिर प्याज टमाटो, ठीक है चीज और साथ क्रिस्पी करके बहुत प्यारा सैंडविच बनाता हूँ. सो ये तो मैं अभी बनाकर खाऊंगा, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है. और मैं आप लोग को एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैं हर वीडियो में ना कुछ राय देता रहूँगा. सो इसमें मैं पिछली बार इसे बोला था कि अपनी लाइफ में खुद आगे बढ़ना पड़ता है. अगर मैं इसमें चीज़ बोलूँ ना कि वो बात तो सच है कि खुद खड़ा होना पड़ता है, कोई साथ नहीं देता, कोई कुछ नहीं, खुद हाथ पे खड़ा होता है. मुझे ना इससे ये सीख मिली थी कि कोई आए ना आए, फैमिली जरूर आती है हर बार आपको सेव करने. मुझे लगा था कि मैं घर पे बता दूंगा क्या होगा क्या नहीं, बट नहीं, मेरे घर वालों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, सब कुछ करा और मुझे इस सिचुएशन निकाला. और जब मेरे को ये पता लगा था सेल्फ का मेरा, तो मैंने बताया नहीं बट स्टिल मेरा केयर बहुत ज़्यादा करा. और इस कंडीशन में भी मैं कंपटीशन लड़ा हूँ. और आपको पता है जब खाओ पियो ना तो सिर्फ चक्कर आते हैं, होता है चक्कर आते थे तो मेरे को बट बुआ लेके जाते थे वॉशरूम. सीरियसली मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी, बट स्टिल मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट करा. सो फैमिली का सपोर्ट कभी मत खोना गाइस, जो वो कहती है करो. ओके, और आज का ब्लॉग यही था. मैं सोचा आप लोग को शेयर करूँ बिकॉज यू आर माई फैमिली, आई टू एवरी थिंग टू यू. सो आज का लोग यही था. और गाइस इससे मैंने ना इंस्टाग्राम पे क्यूएनए क्वेश्चन भी डाला है. सो अगर शायद अब तक हट गया होगा, अब आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे होंगे, उसके मैं रिप्लाई जरूर दूंगा. तो तब तक के लिए लाइक शेयर करके बताना आज का लोग कैसा लगा. ओके, हिट द सब्सक्राइब बटन, बाय बाय, सेल्फ एंड प्लीज सेव प्राइस.